और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के लिए आज एक इतिहास लिखने वाला समय है, यानी कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें की जा रही थी उस संसद और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उन तमाम जगहों पर महिला आरक्षण विधेयक की पहल को साकार करने की दिशा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा संसद में की। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लोकसभा में पेश करने की आज बातें कही हैं और इसके साथ ही वर्ष 1989 से चला आ रहा महिला आरक्षण विधेयक का पेच अब संभलने की दिशा में एक बड़े पहल के रूप में सामने आ सकता है। दरअसल अगर हम महिला आरक्षण विधेयक की बात करें तो एक बात जो दिमाग में कौंधती है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत सबसे पहले पहल कब की गई और कब से यह लंबित है। तो आपको बताएं कि वर्ष 1989 से ये बातें चल रही हैं कि देश की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के उन्होंने सबसे पहली बार पहल की थी और बाद में चाहे पीवी नरसिम्हा राव हों, चाहे एचडी देवगौड़ा हों, आईके गुजराल हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारें हों, इन तमाम सरकारों में अलग अलग समय में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के प्रस्ताव आए, इस पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन इसे अब तक पारित कराने में संसद में सफलता किसी सरकार को नहीं मिली। ऐसे में अगर हम महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास पर गौर करें तो यह वर्ष 1989 था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन पेश किया गया। लोकसभा में इसे पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो सका। फिर बाद में वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस बिल को पेश किया और दोनों सदनों में पारित कर दिया गया, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण की मांग सबसे पहले वर्ष 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की सरकार में उठी थी, लेकिन उस समय भी यह पास नहीं हो सका था। साल 2008 में यूपीए की सरकार में फिर से बिल पेश किया गया और वर्ष 2010 में राज्यसभा में इस पर मुहर लग गई, लेकिन लोकसभा में यह बिल पेश नहीं हुआ। दरअसल वर्ष 1987 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और जब उनकी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा थी उनकी अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। वर्ष 1988 से वर्ष 2000 तक के लिए इसमें महिलाओं के लिए एक प्लान पेश किया गया जिसमें कमेटी ने कुल 353 सुझाव दिए, जिसमें निर्वाचित निकायों में महिलाओं के आरक्षण का सुझाव भी शामिल था। इस पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को लोकसभा में तो पारित करा लिया लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली। और बाद में जब एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने तब सबसे पहली बार देश के संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए एक विधेयक पेश करने की बात हुई। 12 सितंबर 1996 को एक संशोधित विधेयक सब संसद के समय पेश किया गया और इस पर कई दलों के नेताओं ने अपनी सहमति दी। हालांकि ओबीसी कैटेगरी के सांसदों ने इसमें बदलाव की मांग उठाई और देवेगौड़ा ने भी सांसदों की मांग पर गौर करते हुए उसी दिन एक सर्वदलीय बैठक करके बिल को सीपीआई के पूर्व नेता गीता मुखर्जी के नेतृत्व वाली संसद की चयन समिति को भेज दिया जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से रहे। इसमें मौजूदा दौर के अगर हम नेताओं की बात करें तो एनसीपी नेता शरद पवार, जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीएमसी की ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती और पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत सुषमा स्वराज को उसमें शामिल किया गया, लेकिन यह विधेयक उसके बाद भी पारित नहीं हुआ और यहां तक कि वर्ष 1997 में प्रधानमंत्री आईके गुजराल की सरकार में फिर से यह पेश तो हुआ लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका।
बाद में वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो 12 जुलाई को इस बार फिर से इसे पेश करने को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला और तब राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेश प्रकाश यादव ने इस बिल को तत्कालीन कानून मंत्री थाम्बी दुरई से संसद में छीन लिया था और राजद के ही सांसद अजीत कुमार मेहता ने उस बिल की कॉपियां फाड़ दी थी। तब इस दौरान ओबीसी के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की देने की भी मांगें उठी थी। इतना ही नहीं, बाद के वर्षों में जब यूपीए की सरकार बनी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान भी इस बिल को पारित कराने के लिए अलग अलग तरीके से बिल को लाया गया और वर्ष 2008 में इसे यूपीए सरकार की ओर से संशोधित बिल के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया और फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। बाद में मार्च 2010 में इस बिल को राज्यसभा से पारित करा दिया गया, लेकिन तब से अब तक यह बिल अभी भी लोकसभा में पास नहीं हुआ था। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के जिस पेज को वर्ष 1989 से अब तक नहीं सुलझाया गया था उसे अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में लोकसभा में पेश करके एक नई दिशा देने का काम किया है।